चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव की, कि जब भी कहीं पे एक वेव पैदा होती है तो वो कितनी स्पीड से हमारी तरफ आती है, हमारी तरफ या ट्रेवल करती है। बेसिकली हम लोग हर समय किसी वेव का ओरिजिन तक नहीं पहुंच सकते, उसके किसी टुकड़े की स्टडी करते हैं। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सोर्स के पास पहुँच जाएँ जहाँ से वेव्स निकल रही हैं। अगर अंतरिक्ष में कहीं से वेव आ रही हैं तो हम उसके सोर्स तक पहुंच पाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेव जो हम तक पहुंची हैं उसकी स्टडी कर सकते। यानी वेव जो जा रही हैं उसका एक टुकड़ा ले लिया, उसकी स्टडी कर लेंगे और उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग किसी तालाब में, नदी में पत्थर फेंकते हैं, जब पत्थर फेंकते हैं तो भंवरें उठती हैं, रिपल्स बनते हैं, लहरें उठती हैं, वेव्स बनती हैं, और वो वेव अपनी तरफ आती हुई दिखती हैं किनारों पर, है ना। पार्टिकल तो वहीं हिलते हैं, लेकिन ट्रांसफर वेव जो सरफेस पे बन रही है वो हम तक आती हुई दिखती है, तो उसकी आने की कुछ वेलोसिटी होती है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो हमको दिखता है ना मेरी तरफ आ रही हैं, और आती भी हैं, डिस्टर्बेंस आता है, हमें भिगो भी जाता है अगर हम खड़े रहे तो किनारे, है ना। तो वो चीज़ स्टडी करनी है कि वो जो वेव है उसकी वेलोसिटी हमारी तरफ आने की जो है वो क्या होती है, उसको समझना है हमको। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव बात पकड़ में आती होगी। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए हमने एक वेव बनाई है। वेव का डायग्राम है इस तरह का, एक किसी इंस्टेंट पे ये डायग्राम है, कहीं से आ रही होगी वेव, हमने यहां से उसकी स्टडी करने की कोशिश की, एक टुकड़ा ले लिया वेव का। ठीक, वेव में ये पॉइंट पी जो है इस समय ये टॉप पर है, इसका एम्पलीट्यूड अचीव कर चुका है ये फुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद किधर आना है, इसको नीचे जाना है। अभी ये रुक गया है क्षण भर के लिए, लेकिन अगले ही पल नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं जाना है इसको। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं, एक छोटा सा एरो दिखा देते हैं जो शो करेगा कि इसका अगला निशाना नीचे आने की तरफ है। इसके जो पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं ये सब अपना मैक्सिमम अचीव कर चुके हैं, ये सारे नीचे आएंगे। अब पी यहां है तो पिछले पल यहां रहा होगा, उसके पल यहां रहा होगा, ऐसे रहा होगा ना, तभी पी बढ़ रहा आगे। अब इनके आगे वाले पार्टिकल्स की स्टडी कीजिए जो मीडियम में है। मीडियम में जो अगला पार्टिकल है ये, अब इसका ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, थोड़ी देर में ये कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, यही तो इसका टारगेट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाना और फिर वापस आना, यही तो करेगा। जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी आफ्टर टी टाइम, डेल्टा टी कह लेते हैं हम लोग, डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक गया, ये यहां से यहां तक गया, तो ये कहां जाएगा, ये जो यहां है वो यहां चला जाएगा, ये भी तो ऊपर जा रहा है उतने समय में, और उतने समय में इसके बाद वाला वो भी यहां चला जाएगा, इसके बाद वाला यहां चला जाएगा, और इसके बाद वाला जो इसके पीछे रहा होगा यानी यहां वाला, ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ये इधर वाले किधर जा रहे हैं, इधर वाले ऊपर जा रहे, ऊपर नीचे समझ में आ रहा है ना कैसे, तभी तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। अब देखिए, नई जो वेव मिलेगी, ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये पहुंच जाएगा नीचे, तो वेव जो बनेगी हमारी इस तरह की बन जाएगी। अब ये दिख रही नंबर टू वेव है ना, और यहां जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था इसका निशाना ऊपर जाने का था, तो डिस्प्लेसमेंट अब किधर मिलेगा हमको, यहां कहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कहां पहुंच चुका है, ये यहां पहुंच चुका है। अब दिख रही ना बात, इसी इस फॉर्म में वेव अपनी आगे बढ़ेगी। देखिए आगे बढ़ा ना, पी पॉइंट अब कहां पहुंच चुका है, पी डैश पर डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, पार्टिकल नहीं पहुंचा, पार्टिकल तो इधर ही ऐसे ऐसे चल रहा है, पार्टिकल नहीं पहुंचा है, डिस्टर्बेंस पहुंचा है। बात समझ में आ रही है, क्या बता रहे हैं, तो ये जो पी है ये पी डैश पे पहुंच गया ना, डिस्टर्बेंस, यही इसी को हम जब इधर से देखेंगे ऐसे, तो यही तो पी हमारी तरफ आते दिखेगा, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो थोड़ी हमारी तरफ आ रहा है, पार्टिकल तो ऐसे ऐसे हिल रहा है पानी का, पानी में स्टोन फेंका है, लेकिन लहर जो है वो लहर का जो टॉप है, समझ लीजिए कोई भी पॉइंट ले सकते हैं समझाने के लिए, टॉप लहर का टॉप वही तुमको दिखता है कि ऐसे लहर है, ये लहर आ रही है मेरे सामने, ऐसे आ रही, यही दिखता है ना। तो ये लहर का अगर टॉप है पी, तो कुछ समय बाद डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहां दिख रही है, पी डैश पर, उसके और समय बाद पी डैश कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और इस तरह का बन जाएगा अगला हमारा वेव, उसके बाद पी डैश कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ऐसे ही तो चलेगा ये,
क्या चलेगा? डिस्टरबेंस चलेगा, पार्टिकल का मोशन इसके परपेंडिकुलर है इन ट्रांसफर वेव। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पर हम जो वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर पी पी डैश का बीच का डिस्टेंस हमारा डेल्टा एक्स है, इसके बीच की दूरी, और टाइम लगा इसको डेल्टा टी, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव। इस बात को और अच्छे से कहने के लिए, इस पार्टिकल, ये जो ऐसे घूम रहा, यहां पर जो पार्टिकल है उसमें कुछ समानता है। हम P को P डैश कैसे कह पा रहे हैं? हम P को P डैश, P और P डैश में क्या समानता है? ये जो पार्टिकल ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल जो ऑक्सीलेट कर रहा है, दोनों P पर और P डैश पर सेम फेज में है, सेम फेज में है। यहां पर समझाने के लिए टॉप लिया हुआ है, वैसे तो कोई पार्टिकल पकड़ सकते हैं, है ना? अगर साथ बात करें समझाने के लिए ही, इसका पी का फेस कितना है? पाई बाई टू, मालूम है ना? इस पी डैश का फेस कितना है? पाई बाई टू। अगली बार जब ये पहुंचेगा यहां पर, तो इसका फेस कितना होगा? पाई बाई टू। सेम फेज में है ना? तो हम ये बोलते हैं कि जो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, ये देखिए, स्पीड ऑफ ए वेव इज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम विद सेम फेज। पी पी डैश सेम फेज में है, और पी की जगह अगर ये लेते तो इधर वाला भी सेम फेज में मिलता, अगले पल जो मिलता, कोई भी पार्टिकल ले सकते। ये लेते तो ऐसे ही बनाया ये पार्टिकल, और ये यहां पहुंचा, ये वाला पार्टिकल कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। ये देखिए, कोई भी ले सकते ना आपके ऊपर पार्टिकल, आपकी मर्जी, लेकिन हमने पी क्यों माना है? इसे समझाने में आसानी हो जाए। बात अंदाजा लग रहा है? तो हमने एक स्पेशल वर्ड क्या बनाया, स्पीड ऑफ ए मीडियम पार्टिकल, और पार्टिकल ही लिखना ठीक है, खैर अभी हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं तो मीडियम ऑफ ए पार्टिकल लिख सकते हैं, वरना मीडियम होना जरूरी नहीं होता वेव में। तो स्पीड ऑफ ए वेव इज ए स्पीड ऑफ ए मीडियम पार्टिकल, जो ऐसे चल रहा है वो सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है? तो सेम फेज में जो जो आते जाएंगे पार्टिकल, वो हम देख लेंगे कि कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहे हैं, वही स्पीड स्पीड ऑफ द वेव हो जाएगी। ये बात समझ में आई? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेम फेज के मतलब क्या था यहां? पकड़ पाए ना बात? क्योंकि ऐसे ही डायग्राम बनाते जाएंगे तो यही ऊंचाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता चला जाएगा, और वही हमको लगेगा मेरी तरफ पानी, लहर, वेव आ रही है, वही तो दिखती है हमको लहर उठी हुई, है ना? तो इसी को वेलोसिटी हम बोलते हैं, वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इसमें कुछ खास बातें, क्या खास बातें? कि ये तो हमने आपको एक इजी मेथड में समझा दिया, ठीक। अगर हम इसका पी की जगह किसी भी पार्टिकल का फेज पकड़ें, इस वेव पर जो वेव बनी है, किसी भी पार्टिकल का फेज पकड़ें, तो फेज कितना होगा? वो फेज होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब वेव चलती है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, और ये चीज क्या होता है? उसका फेज, फेज भाई पार्टिकल का फेज, किस फेज में है पार्टिकल, और उसी का फेज को रिप्रेजेंट हम लोग करा देते हैं वेव के फेज में। आ रही बात समझ में? तो ये फेज कहलाएगा, यही तो एंगल है ना, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल, तो वही एंगल की तो बात कर रहे हैं फेज में। तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है? फेज है। अब ये फेज कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें तो कांस्टेंट लेनी, पी वाले का भी फेज उतना ही, पी डैश का भी उतना ही जितना पी का था, पी डबल डैश का कितना जितना पी का था, पी ट्रिपल डैश का कितना जितना पी का था, तो फेज इज कांस्टेंट। अगर ये पाई बाई टू था तो ये भी पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, और सारे जितने मिलेंगे पाई बाई टू, उसी को तो नापना है। अगर पाई बाई टू की जगह कुछ और ले लें, पाई बाई फोर यहां कहीं वाले को, तो सब पाई बाई फोर वाले पकड़ेंगे। Got it? तो kx माइनस ओमेगा टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए।
अब देखिए kx माइनस ओमेगा टी अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो यहां पर x पोजीशन थी और t टाइम था, इसकी बात कर रहे p पे। अब p डैश पे जब पहुंचे हम तो बदलाव हो चुका है डेल्टा x और टाइम बदल चुका है डेल्टा t, तो यहां के पैरामीटर क्या हो गए x प्लस डेल्टा x और टाइम हो चुका है t प्लस डेल्टा t। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? p डैश की, p और p डैश सेम फेज में, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी p' का भी फेस तो इतना ही होगा, तो हम k x की जगह x प्लस डेल्टा x और t की जगह डेल्टा t रख देते हैं, क्योंकि फेस तो सेम होना है, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू बनी k x प्लस k इंटू डेल्टा x माइनस ओमेगा t प्लस माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा t। कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, के एक्स के कट गई, माइनस ओमेगा टी से कट गया, दिख रहा होगा कटते हुए। हमारे हाथ में क्या आया, के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आ गया ओमेगा अपॉन के। व्हाट इज दिस क्वांटिटी, दिस इज वेलोसिटी, हम जानते हैं, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, ओमेगा अपॉन के, ठीक। तो हमको जब भी वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, व्हाट इज ओमेगा हियर, एवन इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज के हियर, वेव नंबर या प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2π अपॉन लेमडा, याद रखना होगा आपको। के क्या था, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में भी आ जाए, इसे वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते थे, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2π अपॉन टी, या 2π को फ्रीक्वेंसी लगा दीजिए म्यू, ठीक। म्यू की वजह से ही इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये वी क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो जब भी वेव का वेलोसिटी निकालेंगे, इक्वेशन ये दी रहेगी, यहां से ओमेगा अपॉन के कर देंगे, उसका वेलोसिटी निकल आएगा, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी है इसकी वेलोसिटी को समझने का, जो भी बहुत आसान है। क्या तरीका है, देखिए वो तरीका ये बोलता है कि कितने समय में वेव लेमडा डिस्टेंस तय करती है, लेमडा डिस्टेंस तय करेगी, सारे फेज बराबर हो जाएंगे आगे पीछे के, तो लेमडा डिस्टेंस चलने के लिए कितना समय लगता है जी, बिल्कुल सही कह रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात पूछी है हमने, कैपिटल टी टाइम लगता है लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यही तो टाइम पीरियड होता है ना, तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा लेमडा, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल होगा, लेमडा अपॉन टी, ये डिस्टेंस है, ठीक। एक सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है, तो दिस इज वेलोसिटी, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 2π अपॉन टी, और नीचे लिख दीजिए 2π और लेमडा, ये 2π अपॉन टी को पहचान रहे हैं ओमेगा, और 2π इसको नीचे ले लीजिए लेमडा, तो ये क्या बन जाएगा के, ये देखिए के की वैल्यू 2π अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन के आ गया, और ये चीज क्या मिल गई, यही मिल गई, आई बात समझ में। तो इस तरह से भी वेलोसिटी वही आएगी, क्योंकि है तो वही चीज है ना विनायक। तो हमारा वेव का वेलोसिटी निकालने का तरीका v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, गॉट इट। अब अगली बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आप दिमाग में डाल लीजिए, वो मैं बताता हूं आपको भी। इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिए या की पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए नोट। पहला नोट, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी, आपकी समझ में भी आनी चाहिए। देखिए, जब कोई मीडियम में, जब किसी मीडियम में कोई सोर्स ऑक्सीलेट करता है, ऑक्सीलेट करता है या डिस्टरबेंस होता है वहां, तो उससे वेव निकलती है, ठीक है।
जो पार्टिकल डिस्टरबेंस में है या ऑक्सीलेट कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी वेव की होती है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी जो होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वेव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? ये पार्टिकल लिया, ऐसे हिलाने लगे, कितने बार हिलाया, एक सेकंड में 10 बार हिलाया, तो जो वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, 10, इसकी भी 10, उसकी भी 10। पकड़ में आई बात? वेव की वही फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, मान लीजिए वो वेव आपने जनरेट की, हवा में चल रही है, और हवा में चलते चलते कोई दूसरा मीडियम मिल गया, ग्लास आ गया, ग्लास शीशा, शीशे की स्लैब आ गई। अगर शीशे की स्लैब आ गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी एक बार जब बन जाती है तो वो कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो ग्लास में जाए, चाहे वो सीमेंट में चला जाए वेव, चाहे वो पानी में चला जाए, चाहे कहीं और भेज दीजिए, जब तक वो उस वेव की लाइफ है उसका डीएनए नहीं चेंज होगा। डीएनए क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमारा आपका डीएनए फिक्स्ड हो गया ना, बन गया, एक माता पिता से मिला, वो लाइफ लॉन्ग वही रहता है। हमारा और पापा अगर इस दुनिया में होते तो उनका चेक करते तो हमारे बुढ़ापे में भी बता देते कि ये इनका ही लड़का है, क्योंकि तो नहीं चेंज होता 60 साल बाद भी, अगर जीवित रहे हम 60 साल तक। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी डीएनए है वेव का, इट विल नेवर चेंज। जब तक है इस दुनिया में वेव, उसको उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रहना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ रही है? तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज इन एनी मीडियम। मेरी बात समझ पाए ना? ये फ्रीक्वेंसी मतलब वेव फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, ये वेव फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगी। तो फिर चेंज क्या होगा? तो चेंज होगा उसका वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी चेंज होता है। उसका वेलोसिटी चेंज कैसे होता है? जैसे यहां पर हमने बात सीखी थी वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है? तो इसको आप एक और फॉर्मूला याद कीजिए, इसको 1/T को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू और ये लैम्डा, तो वी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा आया। एफ लिख दीजिए, अलग अलग थोड़ा दिखाई पड़ेगा, बाकी अब आजकल एफ नहीं लिखते आपकी बुक्स में। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला मिला। तो अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, एक वेव चली, रास्ते में पानी आ गया, रास्ते में ग्लास आ गया, रास्ते में कंक्रीट आ गई, कुछ भी आ गया और वेव को पार करना है अगर कर लेती है तो उसका बदलेगा क्या? तो उसका वेलोसिटी बदल जाता है। हम लोगों ने लाइट में भी 10th क्लास में खूब पढ़ा है, और हम लोगों ने 9th क्लास में साउंड वेव भी खूब पढ़ी है कि साउंड का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। मोटे तौर पे आपको याद होगा एयर में होता है 344 के आसपास, और फिर हम लोग जब लिक्विड में जाते हैं तो मोटे तौर पे 5 गुना बढ़ जाता है, और जब सॉलिड्स में जाते हैं तो 15 गुना करीबन बढ़ जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, होता सब में लेकिन बदल जाता है। तो जब भी मीडियम बदलेंगे वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी बदलेगा, एफ बदलना नहीं तो क्या बदलेगा, लैम्डा। तो वेवलेंथ बदल जाती इन डिफरेंट मीडियम्स, वेलोसिटी एंड लैम्डा या वेवलेंथ विल चेंज इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट जो थे जो आप पे ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार, मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेव का लैम्डा बदल जाएगा, वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, वेव की फ्रीक्वेंसी। ये दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक? आगे चलते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। तो ये पहली बात आती है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का मतलब होता है उसके अंदर टेंशन है, ढीली नहीं है, है ना, लूज स्ट्रिंग नहीं है, उसमें हमारी सतह पर ट्रांसफर वेव बनती हैं, उसकी स्पीड क्या होगी? तो ये कोई सपोर्ट है जिससे आपने एक तार लगा रखा है, और यहाँ पर पुली है, पुली से एक वेट आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, लगा दिया, तो ये वेट क्या करेगा, इसको खींच के रखेगा इस तार को, इस तार में टेंशन आ जाएगी, ठीक,
और इसका कुछ मास होगा mg, मान लिया इसका मास है। अब इसमें जो वेलोसिटी आती है, अब इसको यहां से अगर प्लग करके छोड़ दें तो वेव आगे बढ़ेगी, डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल m या इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये म्यू और स्मॉल m दोनों सेम, एनसीईआरटी में म्यू लिखा हुआ है। व्हाट इज टी, टी इज द टेंशन, व्हाट इज स्मॉल m या व्हाट इज म्यू, तो m या म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मास ये नहीं लेना है, इस स्ट्रिंग के मास की बात कर रहे हैं। ये मास तो टेंशन के लिए, इसका रोल टेंशन में आ गया है, हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रिंग का खुद का मास होगा ना। तो मान लीजिए 5 मीटर लंबी स्ट्रिंग है और उसका वजन कितना है, 10 ग्राम। 5 मीटर लंबी स्ट्रिंग का वजन 10 ग्राम, तो हमें क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी यहां, 10/5, और एसआई सिस्टम में चेंज करके, तो ग्राम बोला हमने, उसको केजी में कर लेंगे, एक यूनिट लेंथ के लिए जितना मास आएगा, किसका, स्ट्रिंग का, उसे म्यू बोलते हैं, इसे आप लीनियर मास डेंसिटी में बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो ये मास आ गया लीनियर मास डेंसिटी, इससे आप निकाल सकते हैं किसकी वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेव की इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कि साउंड वेव्स होती हैं। आपको ये मालूम है और याद भी होगा कि बताया था आपको कि मटेरियल के अंदर हमारी कौन सी वेव पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये शीशे का ये कोई लोहे का टुकड़ा है और यहां ठक करके छोड़ देंगे तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होंगी, और अगर इसके ऊपर पैदा होती हैं सरफेस पे तो कौन सी वेव होंगी, ट्रांसफर वेव, इसलिए उसको सरफेस वेव भी बोलते हैं, बताया है आपको, ठीक है, याद आ रहा है ना पिछले क्लास की कहानी कुछ। तो ट्रांसफर वेव, साउंड वेव हमारी का वेलोसिटी कितना आएगा, तो इसमें कहानी किससे जुड़ जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम से, उसी की वजह से तो वापस लौटता है, या एक खींचता है तो दूसरे को भी खींचता चलता है, बताया था ये भी आपको कि बगल वाले को क्यों खींचेगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसका रोल यहां आता है। और उसकी वेलोसिटी कैसे सॉलिड्स में कैसे आती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस, हम लोगों ने पढ़ रखा है, अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग मीडियम में साउंड का वेलोसिटी बदल जाता है, हमको मालूम है, बात की अभी आपसे, ठीक है। अब अगर ये सॉलिड्स में, अगर ये सॉलिड की जगह हम गैस ले लें तो गैसेस का यंग्स मॉडुलस तो होता नहीं, बल्क मॉडुलस होता है, तो फॉर्मूला तब्दील हो जाता है अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो में, और बल्क मॉडुलस और डेंसिटी को आप पहचानते रहिए। तो ये किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की या साउंड की, गैस में या सॉलिड्स में, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन था न्यूटन साहब पहले कर गए थे, लेकिन उस कैलकुलेशन में अभी आप देखेंगे थोड़ा सा एरर था जिसको बाद में सुधारा गया। तो कैसे कैलकुलेट किया था न्यूटन ने, न्यूटन्स डेरिवेशन फॉर स्पीड ऑफ वेव इन गैसेस, गैस में साउंड का जो स्पीड है वो कितना होगा, ये कैसे उन्होंने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। तो उन्होंने कहा वी इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो होता है। अब यहां पर बी मतलब बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का क्या रिजल्ट आता है हमारा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 में जहां तक। तो ये वैल्यू बनी डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब बॉयल्स लॉ से हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, पी दो वेरिएबल है पी वी, तो अब एक बार पहले को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, और इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो शून्य मिल गया, जीरो मिल गया। तो ये इक्वेशन आपके हाथ आ गई, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे चेंज कर दिया और पी की वैल्यू निकाली, तो माइनस साइन वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी आया। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन केवल ये दिखाता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो इस माइनस साइन का इतना ही सिग्निफिकेंस है, तो हम लोग माइनस को
इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो केवल इतनी चीज बता रहा है. उसको इग्नोर करने के बाद पहला और दूसरी इक्वेशन से दोनों को मिलाते हैं विदाउट माइनस साइन, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस हम समझ चुके हैं. दोनों को मिलाने में क्या रिजल्ट मिला, ये आरएचएस और ये आरएचएस सेम है, देखो है ना सेम. तो एलएचएस भी पी इज इक्वल टू बी भी सेम होना चाहिए. उन्होंने कहा ठीक है साहब, प्रेशर बल्क मॉडुलस के बराबर होगा. अब ये बात वो समझ गए, अब उनके हिसाब से क्या वैल्यू बन गई, हेंस स्पीड ऑफ द वेव विल बी अंडर रूट बल्क मॉडुलस की जगह उन्होंने डाल दिया प्रेशर अपॉन रो. और फिर उन्होंने प्रेशर, एयर का प्रेशर निकाला, एयर की डेंसिटी निकाली और उससे कैलकुलेट की, कैलकुलेशन किया कि आखिर कितना आना चाहिए वेलोसिटी. तो देखा उसका कैलकुलेटेड वेलोसिटी कितना आया, 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड. जबकि ये रियली हमारी होती कितनी है, कैसे है, यहाँ पे कोई साउंड क्रिएट कीजिए और किसी डिस्टेंस पे उसको मॉनिटर कर लीजिए, कितने समय में साउंड पहुंची है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकल आएगा, है कि नहीं. इससे जब कैलकुलेट की गई तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटली जो दिखी वो 331 आ रही थी, और इनसे थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशन हुआ उससे आई 280. तो अगर इन दोनों में डिफरेंस तो काफी आ गया, 50 का डिफरेंस नजर आता है, कहां 280 कहां 331. इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी है, या तो पूरा फॉर्मूला ही गलत है, या फॉर्मूला अगर ठीक है ऐसा कहना चाहते हैं तो इसमें एरर है कोई. तो ये इसमें एरर थी, उस एरर को लाप्लास ने ठीक किया. उसने कहा ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है. क्यों सुधार, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में बड़ा डिफरेंस था, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था. बात समझ में आ रही है ना. इसी बेसिस पे कहने लगे कि ये जो फॉर्मूला न्यूटन साहब का है, न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अधिकतर बातें सही भी होती थी उनकी, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ हम लोग सुधार करेंगे तो ये फॉर्मूला बराबर आ जाएगा. तो वो सुधार क्या रहा, अब देखिए इसमें जो करेक्शन की बात की थी लाप्लास करेक्शन में, न्यूटन में क्या गड़बड़ी थी आपकी समझ में आया, कि हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू मिसमैच कर गया. तो लाप्लास साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एडियाबेटिक चेंज के लिए हमारा फॉर्मूला होता पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आइसोथर्मल के लिए होता पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इन्होंने लाप्लास साहब ने लिया एडियाबेटिक चेंज, इन्होंने लिया था आइसोथर्मल चेंज. देखिए क्या लॉजिक के तहत, क्या लॉजिक के तहत लाप्लास साहब ने एडियाबेटिक लिया. उन्होंने कहा कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी करीबन होती है 500 हर्ट्ज की, तो जो हम वाइब्रेशंस मीडियम में क्रिएट करते हैं उसको एक सेकंड में कितनी बार हिलना पड़ेगा, 500 बार. जब 500 बार हिलना पड़ेगा प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कंप्रेशंस रेयर फ्रैक्शंस यही तो होते हैं. जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, हाँ साहब बढ़ना चाहिए, और प्रेशर कम हो तो घटना चाहिए, बात ठीक. लेकिन ये प्रेशर जब तक बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की बात जैसे ही आती है, इतनी जल्दी वो वापस रेयर फ्रैक्शन में चला जाता है कि उस टेम्परेचर के बढ़ने वाला एपिसोड हो ही नहीं पाता. टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कह रहा हूँ कि हीट जो जानी चाहिए, आनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो एक्सचेंज हीट का हो ही नहीं पाता उसके अंदर. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, हीट को जब ये प्रेशर बढ़ा तो हीट आए या जाए, जब रेयर फ्रैक्शन हुआ तो जाए हीट, और जब कंप्रेशन हुआ तो हीट आए. ये एपिसोड, ये इवेंट नहीं घट पाती, क्यों, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी होता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कि उसको मौका ही नहीं मिलता, है ना, इतनी जल्दी जल्दी ये होता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कि ये मौका ही नहीं मिलता. तो हीट कंटेंट चेंज ही नहीं होते, और जब हीट कंटेंट चेंज नहीं होंगे तो कौन सा प्रोसेस बनेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस. न्यूटन साहब ने क्या सोचा था, न्यूटन ने ये सोचा था कि ये आइसोथर्मल इसलिए है क्योंकि हम लोग तो एटमॉस्फेयर में बोल रहे हैं और एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, तो जब बढ़ नहीं सकता टेम्परेचर सेम रहना है तो आइसोथर्मल लगा दो. लेकिन लगाया और रिजल्ट मैच नहीं किया. सोचना ठीक है उनका भी, लेकिन रिजल्ट तो आ नहीं रहा, यानी कमी है कहीं ना कहीं. लाप्लास ने जो लॉजिक दिया
वो लॉजिक भी बिल्कुल समझ में आता है कि हमारे जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहे हैं दे आर सो फास्ट कि उस कंप्रेशन रेयरफैक्शन में हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। एक सेकंड में 500 बार बहुत हुआ, वेरी फास्ट, वेरी क्विक, बहुत तेज ये प्रोसेस हो रहा है। जब बहुत स्पीड में कोई प्रोसेस होता है तो हीट एक्सचेंज का मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता मौका। ये सब बातें पढ़ी हैं हम लोगों ने। तो यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो इस वजह से उन्होंने एडियाबेटिक प्रोसेस लिया। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में? अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। डिफ्रेंशिएट करने का दो वेरिएबल का वही तरीका, एक को फिक्स रखो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। तो यहां पर हमने वी की पावर गामा को फिक्स रखा और पी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेल्टा पी हो गया। अब अगले में पी को कॉन्स्टेंट रखा, वी की पावर गामा डिफ्रेंशिएट किया, तो वी की पावर गामा में गामा पहले आएगा और एक पावर कम हो जाएगी और साथ में वी का डिफरेंशिएशन डेल्टा वी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक, उसके बाद हमने कुछ रीएडजस्टमेंट किए, वैल्यू निकाली वी की पावर गामा इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले गए और वैल्यू आई माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन डेल्टा वी। ये सेम एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में गया बस। अब यहां पर क्या किया हमने, गामा पी की वैल्यू निकाली, गामा पी निकाला तो ये क्या हुआ, वी की पावर गामा डेल्टा पी ये ऊपर और बाकी चीजें इतनी चीजें ये नीचे आ गई। ठीक, अब देखिए वी की पावर गामा है, ये वी की पावर गामा माइनस वन है, जब कैंसिलेशन होगा तो एक वी बच जाएगा ना, यहाँ पावर ज्यादा एक है ना, तो यहां पर आ गया डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। अब देखिए ये क्या चीज है, ये वही तो चीज है जिसकी बात हम यहां कर रहे थे। ये देखिए डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, दोनों एक चीज है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी ये वैल्यू बल्क मॉडुलस के बराबर होगी। बी मस्ट बी इज इक्वल टू गामा पी। आ रही बात समझ में? अगर बी की वैल्यू गामा पी के बराबर है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, वो जो वहां पी आ रहा था पी की जगह क्या आना चाहिए, गामा पी अपॉन रो। ये लाप्लास का करेक्शन है। अब ये बात ठीक तो है लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच भी तो करे, कहने से क्या होगा। अब उन्होंने इसको कैलकुलेशन जमाया और कैलकुलेशन निकाला, क्योंकि हमारे एयर में नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्सीजन है डायटोमिक गैसेस, उसके लिए गामा कितना होता है 7/5 या 1/4, यहां पर 1.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई वेलोसिटी की 331.3 और ये लगभग मैच कर, बिल्कुल मैच कर गई किससे, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 331 के। इसका मतलब हमारा जो अब फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेने लायक है, सही है। आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लिया गया और इसे ही बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि लाप्लास करेक्शन को क्या था, एक्सप्लेन कीजिए, डेराइव कीजिए, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन्स के डेरिवेशन में क्या खामी थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द, व्हाट इज द एरर इन द न्यूटन्स डेरिवेशन फॉर स्पीड ऑफ वेव इन एयर, तो आपको बताना पड़ेगा डेरिवेशन करके कि ये दिक्कत थी एंड द करेक्शन इज फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट लाप्लास और ये करेक्शन था। तो अब हमारे ये चीज अल्टीमेटली आई क्या, ये हमारी साउंड की वेलोसिटी है इन एयर, ये हमारी साउंड की वेलोसिटी है इन एयर। ठीक, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। तो आज की बात को हम लोग यहीं रोकते हैं, इसके आगे की बात नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।